खबर पाली के सोजत सिटी से, जहां रामलीला मंडल काशी द्वारा रामलीला का कथा वाचन किया गया। महिला व पुरुषों ने कथा में पहुंचकर बड़ी संख्या में कथा का आनंद लिया। इस दौरान अपर लोक अभियोजक गजेंद्र सोनी, पार्षद सुनीता सोनी, समाजसेवी विकास डाक, पत्रकार लक्ष्मी नारायण माली, कालू राम खजवानिया का अभिवादन किया गया। रामायण का मंचन किया जाता है, रामायण के पात्रों का जीवन और संजीव प्रदर्शन किया जाता है। इसमें हमने श्री राम, जो कि हमारे आराध्य देव हैं, उनके जीवन के की घटनाओं पर आधारित पूरा वर्णन देखने को मिलता है। भगवान श्री राम पहले बदलाव आया। आज के युग में लोग एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते हैं। आप सबके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल आ गया है। आज अपन किसी को कोई संदेश देते हैं तो जाके नहीं देते, मोबाइल के माध्यम से देते हैं ना। दूरियां आई है अपने, इन दूरियों को मिटाने के लिए इन संस्कृतियों को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। कि भगवान जिस तरीके से इस भारत की धरती पर, इस दुनिया में आकर जो अवतार लेकर जिस तरीके से लोगों में ये संदेश देने का मौका दिया कि हमको मालूम है, और भगवान के राज तिलक का बड़ा महत्व होता है। अभी सुनी जी ने बताया कि एक भगवान उस समय भगवान राम का राज तिलक हुआ था, और आज राजनीतिक दल आए दिन राज तिलक होते हैं हर प्रदेशों में। ये भी एक राज तिलक है, अब ये प्रजातंत्र है, और आज भगवान राम के राज तिलक के समापन में हमारे आदरणीय विकास जी काक साहब पधारे हैं। मैं चाहूंगा आने वाले समय में भगवान राम का आशीर्वाद हो कि इनको भी, यहाँ की धर्म प्रेमी जनता, इनका भी राज तिलक। जय श्री राम, जय गौ माता की, जय श्री राम, जै श्री राम।